नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नमस्कार एस के रैकवार और कुछ खास है मैं। इस बार हमारे बीच में हैं बुंदेलखंड के लोकगीतों के बहुत अच्छे खासे कवि, और जिन्हें किसी नाम की ज़रूरत नहीं है, हमारे माननीय संगम पटेल जी। तो हम संगम पटेल जी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। हाँ, तो पटेल साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका हाल निवास तो आपका ललितपुर है, पर इससे पहले आपका जो असली गांव है वो कौन सा है? हमारा गांव है ग्राम खिरियावारी, जो नाराहाट थाना के पास डोंगरा खुर्द पड़ता है, वहीं से 3 किलोमीटर आगे खिरियावारी, गुड़ा खिरिया भी कहते हैं। अच्छा। तो वहीं के निवासी हम, ललितपुर में तो रहते हैं, अब हम धंधा बंदा करते हैं। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये फुल बुंदेली भाषा पर है, लोकगीतों पर है, तो अब हम बुंदेली में बात करेंगे। क्या बताओ आप कि जो आपने जो लेखन की कला है, हाँ, तो ई के लाजे का कोई स्कूल में ट्रेनिंग लेने आप? अरे नहीं, ट्रेनिंग नहीं, क्या है ये, हम जब छोटे थे तो ये हमारी माता जी की प्रेरणा है। अच्छा अच्छा। जो कि उन्होंने हमें लिखना सिखाया, और सबसे पहले हमने कोई गीत स्कूल में लिखा था, हम 10वीं पढ़ते थे, 10वीं अच्छा, में अच्छा। हाँ, तब वहाँ पर एक विदाई गीत लिखा था हमने। अच्छा। वहीं से हमने शुरुआत की थी। कब लगे कि हम अच्छो लिख सकर? क्या है, हमारे यहाँ गांव पर राजेंद्र सिंह निरंजन आए थे एक बार। अच्छा अच्छा। हाँ, तो राजेंद्र सिंह निरंजन आए तो उनने बढ़िया बढ़िया फिल्मी गानन पे गाना गाए। अच्छा। तो गाँव वाले बोले, यार फिल्मी गानन पे गाना को लिख सकब? हमने कहा फिल्मी गानन पे हम लिख सकब। हाँ, तो हमने वो ट्राई करी लिखवे की ट्राई करी, बढ़िया लोग गीत, बढ़िया गीत लिखे गए, धार्मिक गीत लिखे गए, बढ़िया सब लोगों ने तारीफ करी गांव में। तो बस हमें प्रेरणा मिली, हमें उत्साहवर्धन हुआ हमारा। अच्छा। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो आप उस समय युवा आते हैं? हाँ बिल्कुल, 20-22 साल की। तो भैया सही बात करके, युवाओं में काफी जोश हो, अगर कुछ करने हो तो आदमी युवाओं की उम्र में अच्छो काम कर सका। आपको जो पहला मौका है, जो आम जनता तक आवे को जो पहला मौका कीने दो, क्या है? सबसे पहले हमने लिखी थी एक शंकर जी की बारात। अच्छा अच्छा। तो शंकर जी की बारात हमारी बहुत अच्छी फेमस भई थी, जो चंद्रभूषण पाठक ने गाई थी, बिरदा वाले हैं, उन्होंने गाई थी, प्रिंस कैसेट मड़ावड़ा से। अच्छा, वो कंपनी भी हमारे उस शंकर जी की बारात से चली थी। अच्छा। और चंद्रभूषण पाठक का नाम भी हमारे उससे शंकर जी की बारात से हुआ था, वो भी धार्मिक क्षेत्र में आगे लोग गीत छोड़ गए। और उसी शंकर जी की बारात से हमारा भी नाम हुआ था, संगम का नाम। हाँ, तो भैया आप लोगों ने पुराने गानों में जरूर सुनी हुई है संगम पटेल। तो संगम पटेल यही भाई साहब हैं, हम भी काफी जब सुनते तो बीच बीच में गानों के एंड में जो लेखा खड़ा था तभी अपना नाम जोड़ दे। फिर 2006 में देशराज पटेरिया ने गाई हमारी कैस्टें। अच्छा। जबलपुर से। अच्छा। तो जबलपुर से 4-5 कैस्टें गाई, सैया लड़ियो नहीं चुनाव चाहे सोतनिया ले आ, ये बहुत बहुत सी गीत गाए उन्होंने, जो हमारा बहुत पसंदी गाना रहा, सैया लड़ियो नहीं चुनाव। देखो हमारे गीत जितने भी मिलेंगे वो मतलब जनता के लिए एक मतलब संदेश है। हाँ, नहीं नहीं, देखो फुहड़ नहीं लिखते हम, संगीत वो ही है जी में समाज के लिए संदेश जावे। पुराने जमाने में लोग गीत जब गाए जाते तो मैं परिवार के संग आदमी जाते, मताई बहन भैया बिल्कुल बिल्कुल, सब तारे लगा लगा के लोग गीत सुनवे जाते। लेकिन आज लोकगीतन को बहुत अंतर आ गया। क्या है, अब जो बुंदेली कलाकार हो गए, नए नए कलाकार हैं, कुछ जानते मानते कुछ है नहीं, हारमोनिया उठाई बजाऊं लगे इतना, एक मोड़ी बगल में बैठा ली बस, वो गावो सीख गए। उनने कि हम तो लोकगीत को प्रोग्राम करवे जा रहे हैं। प्रोग्राम का करवे जा रहे हैं, गांठ को पैसा खर्च कर गए, गा रहे हो अश्लीलता परोस रहे, इतने गंदे गीत गा रहे कि सुनने वाले ही मतलब शर्मसार हो जाते हैं, इतने गंदे गीत गा रहे हैं। हम तो इसके लिए मुहिम चला रहे हैं कि भाई गंदे गीत नहीं गाओ, अच्छे गीत गाओ, पारंपरिक गाओ, जो अपनी बुंदेली भाषा बुंदेली माटी की मर्यादा बनी रहे। हाँ, बहुत पहला जैसे हम मताई बहन संग बैठ गाना बिल्कुल बिल्कुल सुनती हूँ, बहन भज्जा संग बैठ के गाना सुनती, पटेलिया जी ने गाए तो सब लोग सुनते संग, चंद्रभूषण पाठक ने भी अच्छे गीत गाए, बहुत अच्छो एक गाना है तो उठो धना मांग रे प्रभु लगाओ कौआ, लगत तो रे माई किसे आ गए लोग। हाँ, बहुत अच्छा गाना, हमें अच्छा लगा। तो लेकिन आज कला अश्लीलता बहुत हो गई, तो भैया सभी लोगों से निवेदन है कि अश्लील गाना ना गाओ। और इस पे तो बहुत वो पवन कैसेट वाले हैं जो बेबी वो कर रहे, मुखिया जी हैं, काफी संगीतकार हैं जो जा करेगा ये उल्टे सीधे गाना ना गाओ। वो हमने अश्लीलता ही पे लिखू। अच्छा। कि कर दो बुंदेली को नाश, कर दो बुंदेली को नाश, वो लगा लगा के फिल्मी टुकड़ा, कर दो सत्यानाश, कर दो
बुंदेली को नाश। सही कह रहे हैं पटेल साहब आप, बुंदेली को नाश आदमन ने बहुत जबरदस्त तरीका से कह रहे हो, इतनी बदनाम हो गई बुंदेली। हाँ, लोकगीत सुनवे के लाने, अगर लोकगीत की बात करो तो आदमी गाइन देत। हाँ, और डराते हैं, कह रहे हमें नहीं जाने लोकगीत, हमें नहीं जाने। हाँ? ना तो एक जमाना हो तो, और का अगर लोकगीत अगर हो रहे तो एक जमाना जो है तो फिल्मी टाकीजें बंद हो गई। हाँ, सही कह रहे हैं। एक घंटा घर पे प्रोग्राम हुआ था देशराज पटेरिया का, बहुत पहली, तो टाकीजें बंद हो गई थी। नहीं सोचो, हाँ, बुंदेली की महिमा कितनी अच्छी है थी, और आज बुंदेली भाषा की कागत कर दी नए गायक ने, केवल इसकी जिम्मेदारी नए गायक ही। नए गायक, एक तो सबसे पहले बहुत से नाम लेना अच्छा नहीं है। हाँ, बहुत से टीकमगढ़ के जितने कलाकार हैं उन लोगों ने सबसे ज्यादा अश्लीलता परोसी। सही कह रहे हैं आप। जो बदलाव आ है तो कछु गायक इस क्षेत्र से दूर ही चले गए। हाँ, बिल्कुल, जिन्हें गावो छोड़ दो, लिखबो छोड़ दो। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन आप जनता को इतना प्यार है कि आप जो क्षेत्र नहीं छोड़ पाए, तो आपने जनता को मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा कर दो, तो आप जमाने के संग चलाते रहे। अरे अब ठीक है, देखो जमाने के संग चल नहीं आऊ, लेकिन थोड़ा अपन को वो भी मर्यादा भी बनी रहे, ऐसे अपन हो कार्यक्रम भी करत, लोकगीत कार्यक्रम अपन कर रहे और संगे संगे ऑर्केस्ट्रा वालों भी कार्यक्रम करत। तो भैया ऐसा नहीं है कि हमारे पटेल साहब ने लोकगीत छोड़ दे के गाना गावो छोड़ दे, नहीं ना, तो देखो लिखवा छोड़ो अपन ने और ना अपन ने गावो छोड़ो है, अबे भी गाउत और अबे भी लिखत है। लेकिन एक गीत आदमी की पहचान बन जा, तो एक गीत जो आपको जिसे आपकी पहचान बनी हो वो कौन सा है? देखो एक गीत तो, पहले गीत तो हमारी शंकर जी की बरात से हमारी पहचान बनी। हाँ, बहुत। और फिर इसके बाद हमारा एक गीत और पाठक जी ने गाओ तो उससे हमारी पहचान बनी, कन्हैया कैसेट झांसी से वो गाओ तो उन्होंने बाबुल दियो ना देश विदेश कुगा में चाय खेल दियो। सही कह रहा, अच्छा आपको है तो वो। हाँ। भैया तो जवाब झूठ नहीं है, जो बिल्कुल सत्य है, जो गाना हम अपनी मौसी के गए थे एक शादी में। अच्छा। जब उतर सुने तो हमने, हमें तो आज मालूम पड़े। हाँ। कि जो गाना आपने लिखे बाबुल दियो ना देश विदेश कुगा में चाय खेल, दहेज के ऊपर है जो। हाँ, है बेटी आग लगा के मारी, जल गई बहू हमारी। हाँ। तो बहुत अच्छी ऐसी खबर हमें भिजवाई, हमें भिजवाई। हाँ, सही कह रहे हैं आप, जो गाना बहुत अच्छा है, अगर आपके विवाह संगीत राम कलेवा है कैसेट का नाम, तो आप जो गाना एक बार जरूर सुनिए, बहुत अच्छा गाना। हाँ। तो कल लोकगीत की आपने कोई शिक्षा ली का? नहीं नहीं, शिक्षा नहीं ली किया है कि हमसे खराब कलाकार गा रहे थे, वो खराब गा रहे थे जिनको स्वर को ज्ञान ना ताल को ज्ञान कछु ज्ञान नहीं है। तो हमारे जितेंद्र सिंह राजा है, हमारे मित्र भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, तो भी बोले यार संगम भाई इनसे अच्छे तो तुम गा सकत। हाँ। तो हमने कहा ठीक है यार, हम गा रहे तो हम गा सकत, काहे नहीं गा सकत, बोले तुम कार्यक्रम करो, हम तुम्हारे संगे हैं। राजेंद्र सिंह निरंजन है हमारे बड़े भैया। अच्छा। मामा की लड़का, उनने भी हमारा सहयोग करो, वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हाँ। अगर भी अच्छो डांस जाना तो अगर आपके ऑर्केस्ट्रा से जुड़ सकत का? बिल्कुल जुड़ सकत। तो भैया जो नए लड़का लड़की है अच्छो डांस कर ले तो गाना गा ले, तो भैया पटेल साहब के जब नंबर हम वीडियो के नीचे दे दें, आप ऊपर संपर्क कर सकत, और पटेल साहब आपको भरपूर मौका दें, नए कलाकार की ला दें कछु संदेश। बिल्कुल संदेश भैया, हम तो ये कह रहे हैं लोकगीत अगर गा रहे तो सही हिसाब किताब से गाओ, जिसमें अपनी मर्यादा बनी रहे, अपनी बुंदेलखंड की माटी अपनी धरोहर बनी रहे जिंदा। हमारा कॉमेडी को एक और चैनल है दूसरों, पापा की नज़र से कॉमेडी, आप उगे भी देख लियो, अगर आप अच्छे एक्टर हैं कॉमेडी में कुछ जानते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम कॉमेडी वीडियो भी बनाते रहते हैं, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। पटेल साहब आप भी व्हाट्सएप चलाते हैं? चलाते, बिल्कुल चलाते। पटेल साहब को भी व्हाट्सएप नंबर दे दें, और नई वीडियो में आप जरूर नए कलाकार के साथ, अगर आपके अंदर भी कोई ऐसा हुनर है जो कुछ खास है तो आप अपनी वीडियो भी बनवा सकते, हम एक रुपया नहीं लेते भैया, साफ सुथरी। अगर आप में टैलेंट है तो आप दूसरे के जरिए पर्दा तक आ जाओ, इसे कहना वो जरिए हम ही बन जाए, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, तो आप जो मुहिम चलाई बहुत बढ़िया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं तुम्हारे लिए। तो अगली वीडियो मिलते हैं नए कलाकार के साथ। पटेल साहब आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।